संत भिंडरवाले की, आज तक उनको नेता नहीं किसी ने माना, उनकी कुर्बानियों किसी ने नहीं माना, तो मैं तो उसको टेररिस्ट कभी नहीं मानता, और वो तो संत था, वो टेररिस्ट कहाँ था। संत जी होते तो पाकिस्तान के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे होते। संत जी एक धार्मिक लीडर थे, उनके मन में पॉलिटिकल पावर कोई परवाह नहीं थी, उन्हें वो पॉलिटिक्स में नहीं थे, वो सिखों के हक के लिए लड़े। हिंदुस्तान से अलग उन्होंने होने के लिए कभी नहीं कहा कि हम हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा हमारा जो स्टेट है पंजाब स्टेट, वो हमारी उसका नाम खालिस्तान होना चाहिए। ऐसी कौम जिसने कुर्बानियाँ दी हों अपने मुल्क के लिए और अपने धर्म के लिए, उनके साथ ये व्यवहार किया गया, स्वर्ण मंदिर के ऊपर अटैक किया गया, ये तो हमारे लिए शर्म की बात है। इंदिरा की गलती थी, इंदिरा गांधी ने फैसला किया कि वो सेना भेजी, वो बहुत बड़ी गलती थी। बातचीत के जरिए अगर बातचीत होती तो ये सब नहीं होता, और ना ही इंदिरा गांधी की हत्या होती, उनकी हत्या उनके अपने फैसले से हुई। इंदिरा गांधी ने कोई मीटिंग भिंडर वाले के साथ कोई नहीं करी, उन्होंने अकाली दल के साथ करी, क्योंकि अकाली दल वॉज द रूलिंग पार्टी ऑफ पंजाब। इंदिरा गांधी अपने शब्दों में भी इंदिरा गांधी ये कहती थी कि हमारी डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, तो प्रजातंत्र में सेना का इस्तेमाल करने का क्या मतलब। कांग्रेस तो चल किया सी, कांग्रेस ने, बीजेपी भी आ गई, हूँ जो ज़्यादा इधरों हिंदू राष्ट्र की गल होंगी है उधर भी जाज ठहरा, कहते ठीक है जो हिंदू राष्ट्र की गल हो रही है तो फिर खालिस्तान की समस्या की। सुब्रमण्यम स्वामी का इंटरव्यू किया मैं, वो कहते भी दिल्ली की प्रेस का रोल बड़ा नैगेटिव रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी जी जो हैं वो एक बड़े नेता हैं, वो बड़े बुद्धिमान आदमी हैं, और मैं कहता हूँ उस बेचारे आदमी को इन्होंने क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाया, तो दुख की बात है। आज बीजेपी में है वो, उनकी सरकार है, ये बताओ कि तुमने क्या किया अफगानिस्तान के लिए अपनी सरकार में, 8 साल से तुम्हारी सरकार है, तुमने क्यों नहीं मोदी को बोला कि आज इनको खालिस्तान दे दो। तो ये जो दूजे लीडर से जिमें प्रकाश सिंह बादल सी, हरचरण सिंह लौंगोवाल सी, ये जो लीडर से इन्हों कि देखते इन्हों गलबात होंगी सी, इन्ह की की रोल? लौंगोवाल बहुत ही अच्छा लीडर से, वो भी डेमोक्रेटिक आदमी से, शरीफ आदमी से, बेचारा वो भी मारा गया, अकाली दल के लीडर ने उन्होंने बड़ा काम किया। जून 84 के घल्लूघारे तो बाद अंग्रेजी के अंदर पहली किताब लिखी गई अमृतसर मिसिज गांधीज लास्ट बैटल, एक किताब लिखी गई BBC दे दो वड्डे पत्रकारां दे वल्लों मार्क टली ते सतीश जैकब, और उन्हां दिनां च उह लगातार गतिविधियां देख रहे सीगे, इहनू डाकूमेंट कर रहे सी, लिख रहे सी BBC च। उस तों बाद 1985 च एक किताब आउंदी हैगी, एक साल बाद घल्लूघारे दे, साडे नाल सतीश जैकब ने गल करांगे, संत किहो जिहे सी और माहौल किहो जिहा सी, अज इन्ने सालां बाद उह इस मसले नूं किवें देखदे ने। स्वागत है जैकब साहब प्रो पंजाब TV ते। बहुत बहुत पहला सवाल मेरा ये कि जदों तुसी गए सब तो पहला फस्ट रिपोर्टिंग तुसी किवें, मतलब संतां दे इन टच तुसी किवें होए, संतां दे नाल तुहाडा राबता किवें बनया एज ए पत्रकार? वो इस तरह बना कि मैं और मार्क टली अक्सर हम लोग अमृतसर जाया करते थे, मतलब ये उनके आने से पहले भी हम वहाँ जाया करते थे, और हमेशा गोल्डन टेम्पल जाते थे, रिपोर्ट के लिए नहीं जाते थे, एवं उत्थे जा रहा साड़ी श्रद्धा थी उत्थे। फिर जब संत जी आ गए उत्थे तो पता लगा संत जी आ गए 1982 में, तो हमने उनसे जाके रिक्वेस्ट की कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो लंगर के ऊपर बैठा करते थे और वो रोज़ ही बैठा करते थे, तो हम लोग उनका जो सेक्रेटरी था सिद्धू, उसको मैंने कहा यार संत जी से बात हो सकती है तो आ जाओ, तो मैं गया, सबसे पहले तो मैं ही गया था संत जी से बात करने, तो वो वहीं बैठा करके बात करते थे, तो पंजाबी ची गला करते थे उन्होंने नाल, तो
तो वो एक बड़ी चंगी बात ये थी संत जी की कि वो खुल के दिल खोल के बड़े आराम से बातें किया करते थे। तो वो बताया करते थे कि भाई हमने उनसे पूछा कि आप ये जो आपका ये जो कर रहे हैं तो ये इसकी इसका क्या कारण क्या है, क्या चाहते हैं आप? तो उन्हें कुछ नहीं, हम ये चाहते हैं कि हम खालिस्तान के चाहते, हमारी डिमांड ये है कि हमारा जो इंडिपेंडेंट सरदारों ने कुर्बानियाँ करी जब इंडिया आज़ाद हुआ था, लेकिन उससे हमें कुछ मिला नहीं। पंजाब को भी उन्होंने आधा कर दिया, उनको हिस्ट्री सारी पता थी क्योंकि उन्होंने ये बताया मुझे कि पंजाब को उन्होंने बांट दिया, कहने लगे कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ये सब पंजाब था पहले, तो इनको सारी सब बात कहता वो हमारा पंजाब उन्होंने छोटा कर दिया। हम ये चाहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें खालिस्तान इंडिपेंडेंट चाहिए, तो ये उनकी मांग थी। पर ये प्रेस कदे ऑन रिकॉर्ड तो नहीं लेके आए हो, उन्होंने ये कहा कि जे ब्लू स्टॉप जे अटैक होंदा हरिमंदर साहब ते या दरबार साहब ते अकाल तख्त साहब ते फिर खालिस्तान की नींह रखी जाओ, पर ऑन रिकॉर्ड उन्होंने खालिस्तान कदे मंगया नहीं, ये तो बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं 84 तो पहला कदे मंगे नहीं। खालिस्तान उन्होंने मुझसे बात की खालिस्तान की और उन्होंने कहा कि वी वॉन्ट एन इंडिपेंडेंट सिख स्टेट, अंग्रेजी में जो हमने बोला उन्होंने अंग्रेजी में इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बोला, लेकिन मैंने ट्रांसलेट करके कहा कि संत लोगों संत बिदरा वाले की मांग ये है कि सिखों की स्टेट अलग होनी चाहिए और ये उनकी डिमांड है, और हिंदुस्तान से अलग उन्होंने होने के लिए कभी नहीं कहा कि हम हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा हमारा जो स्टेट है पंजाब स्टेट वो हमारी उसका नाम खालिस्तान होना चाहिए, ये उन्होंने मुझसे बात की। तो उनकी डिमांड यही थी, वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए बात करते थे। उन्होंने बहुत पेंट किया जाता कि वो टैरिस्ट सीगे, बहुत सारे हम लीडर भी कहते हैं, पोलिटिकल क्लास भी कहती है, कोई कहता वो संत सीगे, कोई कहता टैरिस्ट सीगे, तो अड़ी नज़र संत की सी? मेरी नज़र वालों मेरा ये मानना है कि संत जी एक धार्मिक लीडर थे, उनके मन में पॉलिटिकल पावर कोई परवाह नहीं थी, उन्हें वो पॉलिटिक्स में नहीं थे, वो सिखों के हक के लिए लड़ रहे थे, ये मेरा मानना है। और लोग कहते हैं कि वो टेररिस्ट थे, ये बड़े दुख की बात है, ही वाज नॉट ए टेररिस्ट। तो ये गलती किसकी थी, इंदिरा गांधी की गलती थी फिर? मतलब इशू रिजॉल्व क्यों नहीं हुआ, एज ए जर्नलिस्ट आप कैसे देखते हैं कि क्यों इशू, वो तो टॉक्स हो रही थी अकाली दल के साथ हो रही थी, बहुत सारिया गल्लां हो रही थी, क्यों मसला हल नहीं हुआ फिर, इंदिरा की गलती सी? देखिए मैं ना तो इंदिरा को कसूरवार मनाऊंगा, क्योंकि मेरा काम ये नहीं है कि मैं अपनी उंगली किसी पे उठाऊं, मैं जर्नलिस्ट हूं, मेरा काम है जनता तक असली न्यूज़ तक को पहुंचाना। मेरे लिहाज में ये था कि बातचीत इनकी हुई, लेकिन किसी नतीजे में ये किस लिए नहीं पहुंचे कि दोनों तरफ से ये था कि भाई पंजाब तो हमारी तरफ से इंदिरा गांधी का कहना था कि जैसे और हमारी स्टेट्स हैं इंडिया की ऐसे पंजाब है, तो पंजाब को पूरा हक है, इसमें नई चीज़ क्या है कि जो हम दे रहे हैं उनको, तो ये जो डिमांड कर रहे हैं खालिस्तान की उसकी कोई वजह नहीं है। लेकिन जो दूसरी पार्टी थी जैसे बिंद्रा वाले जो था वो अलग से नहीं, इंदिरा गांधी ने कोई मीटिंग बिंद्रा वाले के साथ कोई नहीं करी, उन्होंने अकाली दल के साथ करी, क्योंकि अकाली दल वॉज द रूलिंग पार्टी ऑफ पंजाब, बिंद्रा वाले वॉज नॉट द स्पोक्समैन फॉर अकाली दल, उनकी अपनी जो एजुटेशन था वो बिल्कुल अलग था। तो जो भी बात हुई है पॉलिटिकल बात हुई है वो अकाली दल के साथ हुई है, बिंद्रा वाले के साथ नहीं हुई। तो जो अकाली दल के साथ बात हुई थी उसमें अकाली दल के साथ जो डिस्कशन इंदिरा गांधी का हुआ उसमें यही था कि गानी जैल सिंह और दरबारा सिंह एक तरफ थे और अकाली दल के जो नेता थे वो अलग थे, तो वो बात करते थे कि हमारे को इंडिपेंडेंस चाहिए। इंदिरा गांधी कहते थे कि सारी जितनी डिस्ट्रिक्ट हैं हमारी, उन्होंने कहा था कि ये जो है इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेसी में जितनी स्टेट्स हैं वो सारी आज़ाद हैं, उनके अंदर सेंटर का कोई दखल नहीं है। पर सेंटर जो तो मर्जी चाहता गवर्नर राजलाल ला दंदा गए, वो दूसरी बात है, लेकिन वो ये कहते थे कि जितनी स्टेट्स हैं वो इलेक्शन जीत के आती है। पंजाब सबसे ज़्यादा गवर्नर राज लग गया है, पंजाब सबसे ज़्यादा गवर्नर राज लग गया। खैर इसके बारे में तो मुझे नहीं मालूम, मैंने इसे स्टडी नहीं करी कि गवर्नर राज सबसे ज़्यादा पंजाब में लगा, लेकिन लगा है। लेकिन उसी ज़माने में जो नक्सलवादी थे कलकत्ता के वहाँ पर भी कभी कभी लगा, उधर तमिलनाडु में भी लगा। खैर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि वहाँ जो हुआ आखिर में जो
गोल्डन टेंपल पे अटैक हुआ, भिंद्रा वाले मारे गए, ये सब जो हुआ उसमें इंदिरा गांधी ने फैसला किया कि वो सेना भेजी, वो बहुत बड़ी गलती थी। बातचीत के जरिए अगर बातचीत होती तो ये सब नहीं होता हुआ और ना ही इंदिरा गांधी की हत्या होती। उनकी हत्या उनके अपने फैसले से हुई, असली बात तो यह है। इंदिरा गांधी ने नहीं चाहिए आर्मी भेजनी होती, आर्मी भेजने का कोई मतलब नहीं था। जब हमारी कंट्री, जो इंदिरा गांधी अपने अपने शब्दों में भी इंदिरा गांधी ये कहती थी कि हमारी डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, तो प्रजातंत्र में सेना का इस्तेमाल करने का क्या मतलब है? फैसले बातचीत से बात होनी चाहिए ना। प्रजातंत्र का मतलब, डेमोक्रेसी का मतलब हर चीज़ बातचीत से सुलझानी चाहिए। आप एक स्टेट के खिलाफ या एक धार्मिक स्थान में फौज भेजने का क्या मतलब है? अफसोस की तो बात यही है। शायद मार्क्स, वो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके कैबिनेट का क्या फैसला हुआ, क्यों फैसला ये लिया गया, इसका बात मुझे मालूम नहीं, लेकिन उस फैसले से किसी का फ़ायदा तो नहीं हुआ ना। उसमें क्या हुआ, हज़ारों लोग मारे गए, खुद इंदिरा मारी गई, इंदिरा मारी गई, उसके अंदर लोग हमारे संजीव मारे गए, तो फायदा तो नहीं हुआ ना किसी का। जी बी एस सिद्धू कहिंदे कांग्रेस फायदा लेना चाहुंदी सी, पहला 1978 च अकाली जनता दल की गौरमेंट डिगे पंजाब च, कांग्रेस की आई गई सी 80 च सरकार, फिर 85 च एडी वड्डी मेजोरिटी आई कांग्रेस नूं, हिंदू पोलराइजेशन दी करके जां मतलब देश दी भावनावां बहु गिणती दी भावनावां नूं भड़का के सिखां ते कार्रवाई की है, ये कांग्रेस का ये ऑपरेशन सी, कांग्रेस का यह प्री प्लैंड ऑपरेशन सी, ते संत नूं उन्होंने आप ही प्रमोट किया। ये जो थ्योरी है कि संत को कांग्रेस ने प्रमोट किया या वो उसका फ़ायदा उठाना चाहता था, ये लोगों की धारणा है, गलत है। गलत मैं नहीं कह रहा, गलत है, धारणा है। ऐसे बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट, उन्होंने भी लिखा, एमजी अकबर ने भी ये लिखा, कुलदीप नैयर ने लिखा, और वो जो थी एक बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट थी, आजकल भी लिखती है, कॉलम लिखती है, तवलीन सिंह ने भी ये लिखा। ये लोग सारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने ज़रूर स्टडी किया होगा और जो उन्होंने लिखा है सच भी होगा। लेकिन मैं इस चीज़ को यूँ नहीं मानता कि सबका अपना अपना एंगल भी होता है। तवलीन सिंह अकेली एक ऐसी जर्नलिस्ट है जो पंजाब के बारे में जो लिखती थी वो अपने लिए नहीं लिखती थी, उसकी पंजाब के लिए उसकी बड़ी इज्जत थी तवलीन सिंह, तो वो लिखा करती थी। उसने भिंद्रांवाले के लिए भी लिखा, लेकिन कभी भिंद्रांवाले के लिए बुराई से नहीं लिखा उसने, तो ये सब ने लिखा। तो हर पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी होती है वो हमेशा अपना वो फ़ायदा देखती है, लेकिन जब भी वो अपना फ़ायदा देखती है करती है, नुकसान उसका हमेशा ही होता है। कई एग्जाम्पल है, पंजाब का एग्जाम्पल के बाद देख लिया, आंध्र प्रदेश को देख लिया, आंध्र प्रदेश के टुकड़े क्यों हुए, वहाँ पर भी उन्होंने एन टी रामा राव वहाँ के बहुत बड़ा पावरफुल नेता था, चीफ मिनिस्टर था, उसके ख़िलाफ़ भी उन्होंने किया, उसको ख़त्म किया। उन्होंने बहुत कोशिश करी तमिलनाडु में भी करने की और केरला में भी करने की, लेकिन वहाँ सक्सेसफुल नहीं हो सकी कांग्रेस। तो ये जितने पॉलिटिशियन जहाँ हमेशा करते हैं तो वहाँ से नुकसान ही होता है लोगों। अच्छा, एक तुसी के उस दौर के अंदर अकाली दल तो संतान की कंट्राडिक्शन सी, संतान तो बब्बर खालसा की भी कंट्राडिक्शन सी, बाद गुरु नानक निवास तो जो छड़ के इधर आए ने अकाल तख्त साहब आए ने, किवें देखते हो सारी इंटरनल पॉलिटिक्स किवें हो रही सी सिखां दी? देखिए ऐसा है, अगर आप इतिहास को देखो तो ये देखिए कि जो सबसे बड़ा सिख लीडर, जो पावरफुल लीडर हुआ जिसने पंजाब को बनाया, तो वो ही वॉज द किंग ऑफ पंजाब, क्या नाम सी उहदा? महाराजा रणजीत सिंह। ही वॉज द बेस्ट लीडर ऑफ पंजाब, उसने पंजाब के लिए सोचा और पंजाब बना रणजीत सिंह वजह से। रणजीत सिंह एक अकेला राजा था, बाद था, जिसने अंग्रेज़ों से टक्कर ली, अंग्रेज़ों की और सिखों की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं बड़ी बड़ी, और कोई ऐसी लड़ाई नहीं हुई कि जहाँ पर अंग्रेज़ों ने सिखों को मात दी हो। रणजीत सिंह हमेशा जीता। और अगर आप इतिहास देखो भारत का और जो भारत की लड़ाइयाँ देखो, तो जो एक लड़ाई अफगानिस्तान में हुई थी जिसकी आज भी जिक्र होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा विक्टोरिया क्रॉस जो है वो सरदारों को मिला था उस लड़ाई में,
जहाँ तक गुरु गोबिंद सिंह जी थे, उन्होंने मुगलों से टक्कर ली थी, कभी हार नहीं मानी, और आज भी अंग्रेजी फौज में भी सरदारी थे वर्ल्ड वॉर में, और आज हिंदुस्तान की जो हमारी जो फौज है सबसे बड़ी जो ब्रिगेड है हमारे सरदारों की है आज भी, तो सरदारों का तो नाम रहा है। तो ऐसी कौम जिसने कुर्बानियाँ दी हों अपने मुल्क के लिए और अपने धर्म के लिए, उनके साथ ये व्यवहार किया गया, स्वर्ण मंदिर के ऊपर अटैक किया गया, ये तो हमारे लिए शर्म की बात है। और जो हमारी किताब मकतली और हमने लिखी उसमें यही सब कुछ लिखा, हमने यही लिखा हमने कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ते तुसी किवें देखदे होंगे उदों तो लैके हुण तक कदे घटनावां दा क्लोजर तां होया नहीं गा, बीजेपी भी आ गई, कांग्रेस तां चल कीता सी कांग्रेस ने, बीजेपी भी आ गई, हुण जदों ज़्यादा इधरों हिंदू राष्ट्र की गल हुंदी है उधर भी जाज ठहराउणा, उह कहिंदे ठीक है जे हिंदू राष्ट्र की गल हो रही है तो फिर खालिस्तान च की समस्या है, इधर तां हिंदू राष्ट्र बनाउण नूं फिरदे, किवें देखदे इहनूं? देखिए जी, ये कहते हैं ना अंग्रेजी में एक लफ्ज़ हैगा ईगो, जिसको हम लोग कहते हैं एक किस्म का एक अभिमान। तो सारे जितने भी हमारे पॉलिटिकल बंदे हैं ना इत्थे, जेड़ा भी है उसके अंदर वो ईगो काम कर रही है। अफसोस की गल यह है कि भारत जब देश आज़ाद हुआ था तो जो हमारे नेता थे उस जमाने के, उन्होंने एक डेमोक्रेसी की बात की थी, प्रजातंत्र की बात की थी। प्रजातंत्र को अगर तुसी पंजाबी विच उसका ट्रांसलेशन करो या अंग्रेजी में करो, उसका मतलब ये होता है जनता का राज। प्रजा मीन्स जनता, जनता का राज। अगर जनता राज डेमोक्रेसी नू कहते हैं तो जनता का फैसला तो पंचायत से हो सकता है ना, और उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता हमारे यहाँ, सब लड़ाई की बात करते हैं, कंट्रोल की बात करते हैं। तो उसी से तो हमारा देश नाश हुआ है। अगर बातचीत से बात हो, अगर डिमांड ये है कि हम सिखों का खालिस्तान बनाना चाहते हैं तो उसकी क्यों नहीं बना सकते। लेकिन अगर आप ये कहो कि अगर खालिस्तान को हमने आज़ाद किया तो भारत टूट जाएगा, देश टूट जाएगा, उसमें भी बात ठीक है। अगर आप हर एक आदमी डिमांड करने लगे कि हम अलग अलग राज्य करेंगे तो देश ख़त्म ही हो जाएगा। लेकिन अगर बातचीत से कहोगे अच्छा भाई तुम भी अपना करो हम भी अपना करते हैं, तो डेमोक्रेसी उसके अंदर काम आ सकती है। लेकिन डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की है, उसके लिए कोई डेमोक्रेसी के ऊपर तो कोई उसका पालन ही नहीं करता। मिसेस गांधी भी डिक्टेटर होकर रह गई थी, हालांकि हमारे इलेक्शन होते थे 5 साल के, तो चुनाव में जो होता है तो चुनाव के जो इलेक्शन होते हैं वो डेमोक्रेसी के लिए होते हैं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो वो अपने आप को डेमोक्रेट नहीं कहता, वो अपने आप को डिक्टेटर कहता है। तो प्रॉब्लम तो ये है ना। तो हमारे यहाँ जो इतना बड़ा ये जो गलूगारा हुआ, इतनी ट्रेजेडी हुई, इतना सुंदर हमारा पवित्र स्थान गोल्डन टेम्पल उसको तोड़ा गया, अकाल तख्त को तोड़ा गया, ये कुछ नहीं होता कभी। सुब्रमण्यम स्वामी का इंटरव्यू किया मैं, वो कहते भी दिल्ली की प्रेस का रोल बड़ा नैगेटिव रहा है, दिल्ली की जी प्रेस थी वो एजेंसियों काम करती सी, रॉ लिए काम करती सी, दिल्ली की प्रेस ने भी सारी यह खड़ा किया भी ता करके अटैक होया, विलेन बनाता पिंडराणे ने जी। सुब्रमण्यम स्वामी जी जो हैं वो एक बड़े नेता हैं और बड़े बुद्धिमान आदमी हैं, और मैं कहता हूँ उस बेचारे आदमी को इन्होंने क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाया तो दुख की बात ही है। लेकिन एक तरह से भारत के लिए, भारत की किस्मत है कि सुब्रमण्यम स्वामी जैसा यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं हुआ, क्योंकि इनकी जो सोच है, इनकी अपनी सोच है, इन्होंने इसके अंदर सारे जर्नलिस्टों को भी कंडम कर दिया कि इनका काम था, ये काम नहीं किया उन्होंने, काम तो कहते इंदिरा गांधी दे ही है जो होया, कहते रोल प्रेस का जोड़ा है वो बड़ा वो नहीं सी, उन्होंने पेंट जिस तरीके ना प्रेस ने किया ठीक नहीं किया। लेकिन जो सुब्रमण्यम ने जो पेंट किया है पिक्चर को वो भी तो ठीक नहीं किया। आज बीजेपी में है वो, उनकी सरकार है, ये बताओ कि तुमने क्या किया अफगानिस्तान के लिए अपनी सरकार में, 8 साल से तुम्हारी सरकार है, तुमने क्यों नहीं मोदी को बोला कि आज इनको खालिस्तान दे दो, क्यों नहीं बात करते एक इंडिपेंडेंट पंजाब की क्यों नहीं बात करते? जो सेक्रीफाइस किया सिखों ने हमारी कंट्री के लिए, उनको उन्होंने उसके लिए क्या दिया? चलो इंदिरा गांधी ने तुम तो दे दो, तो सुबह में पूछा था मैंने जी उनसे, हाँ तो उन्होंने क्या जवाब दिया? वो कहते मेरी मानता नहीं मोदी, मानता नहीं, कहते मोदी किसी दिन नहीं मानता, वो कहने नहीं तो मोदी तो आपका लीडर है तो आपको उसको मनाओ, और आप तो सीनियर लीडर हो, मोदी तो आपके सामने बहुत जूनियर है, कहते मोदी मानता नहीं, तो मोदी को बनाओ उसको बोलो, वो तो सुब्रमण्यम तो सीनियर है ना मोदी से, मोदी तो उसके सामने कल का लड़का है।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਰੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਨਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਦੇਖੀਏ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਰੋਲ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਨਾਮ ਕਿਆ ਬਤਾਊਂ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 50 ਹੈ। ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ ਹੈ, ਤਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਿਖਾ ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਰੋਲ ਸੇ ਲਿਖਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਕੀ ਬਾਤ ਮਾਨੀ ਜਾਏ। ਪ੍ਰੈਸ ਜੋ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾ ਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾ ਰੋਲ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਕੋ ਬਤਾਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਤਨਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਨ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਓ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਆ, ਮੈਂ ਉਨਕੇ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਥੇ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਆਦਮੀ ਸਾ, ਉਨਕੋ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨਕੋ ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰ ਯਾਦ ਹੈ ਆਪਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਏ, ਕੋਈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਥੇ। ਤੋ ਅਫਸੋਸ ਕੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਕੇ ਆਗੇ ਸਾਰੇ ਨੀਚੇ ਥੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਡਿਕਟੇਟਰ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਆ, ਉਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੇਤਾ ਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੀ ਕੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ। ਅਬ ਆਪ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮਾਰੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਨਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਜ਼ਾਰੋਂ ਮੇਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਮੇਂ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੇਂ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨਕੀ, ਸੰਤ ਜੀ ਕੀ? ਆਪ ਕਿਆ ਸਮਝਤੇ? ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਸੰਤ ਜੀ ਕੋ ਵਹਾਂ ਕੇ ਲੋਕ ਮਾਨਤੇ, ਯਹਾਂ ਕੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤੇ? ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨਦਾ ਗਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨਦਾ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਨਕੋ ਬੋਲਣੇ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀ, ਜਾਂ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਔਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਹਮਾਰੇ ਇੱਕ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਤ ਕੌਣ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ? ਜੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਜਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਉਨਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਥੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤੇ ਥੇ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹਮਾਰਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲੀਡਰ ਬਣੇ। ਤੋ ਜਬ ਇਨਕੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਥੀ ਅੰਦਰ, ਜਬ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਥੀ, ਤੋ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਥਾ ਹਮਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਤੋੜਾ ਸੀ, ਤੋੜਾ 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 ਦਾ ਤੋੜਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਆ ਤੋੜੇ ਤੋੜੇ ਨਾਲ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਆ। ਤੋ ਇਨਮੇ ਆਪਸ ਮੇਂ ਵੀ ਤੋ ਫੂਟ ਸੀ ਨਾ, ਸਬਸੇ ਬੜੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਯਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਇੱਕ ਹਮਾਰ ਕਭੀ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਹਮਾਰਾ। ਅਗਰ ਹਮਾਰੇ ਸੰਤ ਜੀ ਕੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੇ, ਤੋ ਆਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਸਬਸੇ ਬੜਾ ਨੇਤਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੋਤਾ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੁੱਢੇ ਸੀ। ਤੋ ਆਜ ਅਗਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋ ਵਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੰਤ ਜੀ ਹੋਤੇ, ਤੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅੱਛੇ ਹੋਤੇ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੋ ਮਾਰ ਦਿਆ, ਉਸਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੀ, ਤੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਤੋ ਅਬ ਹਮ ਉਨਕੀ ਯਾਦ ਮੇਂ, ਆਪ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਂ ਉਨਕੋ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਰਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਆ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਪਿਆਬੀ ਬੋਲ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਉਵੇਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਪਏ ਨੇ, ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਅਡਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਕੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਰਿਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਹੋ ਰਹਾ ਹਮਾਰੇ ਨਦੀਓ ਸੇ, ਉਸਕਾ ਆਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁਆ। ਸਿੰਚਾਈ ਕੇ ਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਥਾ, ਨਹੀਂ ਹੁਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਜੋ ਹੋ ਰਹਾ ਵੋ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋ ਹੋ ਰਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ।
हिमाचल भी अलग हो गया, तो सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ तो पंजाबियों को हुआ ना। अच्छा, इन्ने साल बाद भी आप देख रहे हैं, तुम तो उदो कवर करते रहे हो, असं उदो पैदा हुए हैं, मेरा 84 का जन्म, असी देख रहे हैं गे, असी जवान हो गए, पढ़न लग गए, चीज़ा पढ़िया, कोई हीलिंग टच स्टेट ने दिता नहीं गा, चाहे बीजेपी रही चाहे कांग्रेस रही, कदे गल नहीं दोबारा उस रूप च हुई, हुण फिर असी देखते हैं गे वो मंग उस रूप के अंदर उस उही गल्लां, हर हर जून महीने तुसी जाके देखो उत्थे, एक तो 6 जून तक उत्थे माहौल देखो की हुंदा 6 जून तुसी पैदा हुए सी 84 विच, तो 84 में ये सब कुछ हुआ, उसके बाद 84 में ही इंदिरा गांधी का भी कत्ल हो गया। अगर जब इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ था, अगर उस वक्त राजीव जब प्रधानमंत्री बना, अगर वो सरदारों के खिलाफ जो अटैक हुए थे और जो सरदार मारे गए थे, अगर उसको भारत ही राजीव बंद करता तब भी बात समझ सकती थी, उससे बात और ज़्यादा ख़राब हो गई। 3,000 सरदारों का कत्ल हुआ, उसके लिए आज तक किसी ने कुछ करा? कुछ नहीं करा। तो हमारे यहाँ जब भी कदम उठाए गए हैं वो नेगेटिव कदम उठाए गए, कोई पॉजिटिव कदम नहीं उठाया गया। कोई ऐसा नेता नहीं आया कि जिसने ये सोचा था कि नहीं, देश एक होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। तो बड़े अफसोस की बात तो ये है ना, अब हम यही रोते रहेंगे कि हमारा सोनाची सोनाची, हम ऐसे हर साल याद करते रहेंगे उसकी कुर्बानियों को, लोगोवाल की नहीं, लोगोवाल में कह रहा हूँ उसको, संत भिंडरांवाले की, आज तक उनको नेता नहीं किसी ने माना, उनकी कुर्बानियों को किसी ने नहीं माना, तो मैं तो उसको टेररिस्ट कभी नहीं मानता, और वो तो संत था, वो टेररिस्ट कहाँ था। धन्यवाद सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये सन सतीश जैकब जिन्हों ने किताब लिखी, उस तो तुरंत बाद BBC लई लंबा समा काम किया, ये मनते ने कि संत भिंडरांवाले नूं टैरिस्ट पेंट करना गलत सी, वो एक संत सी, मसले सी, मसलियां ते टॉक होनी चाहिए सी, कहिंदे आ अटैक कोई तरीका नहीं सी, दरबार साहब ते अटैक करन दे नाल सिचुएशन खराब हुई। इन्ने साल बाद भी 38 साल बाद भी गल्लां ज्यों दियां त्यों पईआं ने, देखदे इन्हां दे इतिहास की जवाब होणगे।